फिरोजाबाद जिले के थाना शिकोहाबाद पुलिस ने शनिवार की सुबह गिहार कॉलोनी में छापा मारा। पुलिस ने बड़ी संख्या में बनी हुई शराब लहन बरामद हुआ है। पुलिस ने एक व्यक्ति को मौके से हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक हरवेंद्र मिश्रा व आबकारी निरीक्षक चेतना सिंह, नायब तहसीलदार अवनीश कुमार के नेतृत्व में शनिवार की सुबह गिहार कॉलोनी में छापा मारा। पुलिस की कार्यवाही से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। लोग पुलिस को देखकर इधर उधर भागने लगे। इस दौरान पुलिस ने घर घर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान घरों से बड़ी मात्रा में लहन के साथ बनी हुई शराब बरामद हुई। पुलिस को मौके से 240 लीटर बनी शराब व 200 लीटर लहन बरामद हुआ। इस दौरान मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस बनी हुई शराब को जब्त कर थाने लाए। पुलिस ने आरोपी का नाम राकेश पुत्र रामेश्वर गिहार बताया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। इस बारे में प्रभारी निरीक्षक हरवेंद्र कुमार मिश्रा का कहना है कि मौके से 240 लीटर बनी शराब, 200 लीटर लहन, एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिरोजाबाद से देखिए हमारे संवाददाता राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। कार्रवाई हुई है जो अवैध शराब के खिलाफ। आज एक छापा मारा गया गिहार कॉलोनी में, जिसमें शराब बनाते हुए शराब जो है पकड़ी गई है, जिसमें 200 लीटर लगभग शराब पकड़ी गई है और 240 लीटर लगभग लैंड पकड़ी गई है। उसे डिस्ट्रैक्ट किया गया है। आबकारी इंस्पेक्टर और थाना इंचार्ज साथ में थे। ये कार्रवाई की।